फ्रेंड्स, नूडल्स खाना तो हर किसी को पसंद होता है और रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स अगर घर पे बनाए वो भी सिंपल तरीके से कम सामान में कम ऑयल में तो खाने और बनाने दोनों का मजा दोगुना हो जाता है। तो चलिए आज की जो हमारी सिंपल सी रेसिपी है इसे बनाना शुरू करते हैं। तो नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां ली हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, पत्ता गोभी, स्प्रिंग ऑनियन, गाजर और शिमला मिर्च, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है एक हरी मिर्च, एक प्याज और 5 से 6 लहसुन की कलियां, और मैंने यहाँ पे लिया है शिंग्स का ये जो नूडल्स है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने को रख दिया है और पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे पानी में एक उबाल आ जाए एक छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और जो हमने नूडल्स लिया था उसे हम इसमें ऐड करेंगे और नूडल्स को हम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे, जिससे कि नूडल्स जो है अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पे ही उबालना है। तो आप देख सकते हैं नूडल्स के जो लच्छे हैं खुल चुके हैं, तो इस तरह से फोर्क की सहायता से हिला लेंगे तो इसके जो लच्छे हैं पूरी तरह से खुल जाएंगे और ये अच्छे से पक जाएगा। तो नूडल्स को मैंने हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है। अब ये पक गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप दबाएं तो देखिए बिल्कुल आसानी से टूट जा रहा है, तो यानी हमारा जो नूडल्स है पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे पानी से निकाल लेंगे। नूडल्स को मैंने यहाँ पे छन्नी में छान लिया है और आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो अब हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और मैं इसमें ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे। सब्जियों को हमें हाई मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। तो लहसुन और अदरक को मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज और इसे भी हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो हम हाई मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, बस इसका जो मॉइस्चर होता है वो जो है निकल जाए, सब्जियां क्रंची ही रखनी है। तो प्याज को आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ गाजर और कटी हुई शिमला मिर्च और इसे भी हम 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा हमें किसी भी सब्जी को पकाना नहीं है। तो अच्छे से चलाते हुए हमने इसे 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई किया, हल्का सा ये सॉफ्ट होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन और ये पत्ता गोभी, अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। सब्जियों का जो पानी होता है ना बस उसे ही हमें सुखाना है, इसीलिए हम गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे। अगर कढ़ाई ज्यादा गर्म लगे तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी नूडल्स में ऐड किया था और जो सॉस हम ऐड करेंगे उसमें भी नमक होता है, तो नमक हमें ध्यान से ऐड करना है। 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच टमाटो सॉस और जो सभी सॉस है हम इसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने नूडल्स को उबाल के रखा हुआ है और इसे हम अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। तो इस तरह से आप फॉर्क भी ले लीजिए, नूडल्स एक में एक उलझा हुआ सा रहता है, तो इस तरह से हम फॉर्क की सहायता से करेंगे तो ये अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएगा। जो होटल या रेस्टोरेंट वाले जो भी होते हैं वो लोग भी इसी तरह से नूडल्स को ऊपर नीचे करते हुए मिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नूडल्स जो है सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच, मैंने यहाँ पे नूडल्स वाला चिंग्स का मसाला लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आपको मसाले का पैकेट दिखा रही हूँ, देखिए यही वाला मसाला मैंने लिया है। अब हमने मसाला ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम मार्केट जैसा नूडल्स घर पे ही बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। नूडल्स वगैरह जो होते हैं गर्मा गर्म खाने में ही मजा आता है। तो फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सी रेसिपी है और बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और आप इस तरीके से नूडल्स बना के देखिए, आप मार्केट का नूडल्स बिल्कुल नहीं मंगाएंगे, घर पे ही सिंपल तरीके से कम सामान में नूडल्स बनाया जा सकता है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।